आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको 125 रुपये करके पर अमेजॉन अकाउंट मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। जो स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको भी 125 रुपये आपके अमेजॉन अकाउंट पर मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी बड़ा ट्रिक है, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में टोटल आपका भी फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है और इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। एक, आपके पास ऐसा जीमेल आईडी होना चाहिए, नया जीमेल आईडी होना चाहिए जिस जीमेल आईडी को अभी तक आपने अमेजोन में रजिस्टर नहीं किया हो, और ना ही उस जीमेल आईडी से अभी तक आपने कोई भी अमेजोन अकाउंट क्रिएट किया हो। और दूसरा, आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर पर बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अगर उस मोबाइल नंबर से आपने अमेजोन अकाउंट बना लिया, ऑफर भी अप्लाई कर लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस मोबाइल नंबर पर एक बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और ईमेल आईडी है वो एकदम फ्रेश और न्यू चाहिए। अगर नहीं है तो आप फटाफट एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। चलिए मैं आगे का स्टेप आपको बता देता हूँ, उसके बाद चलिए मैं आपको इस ट्रिक को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले मैं आपको सबसे जरूरी बात बता देना वाला हूँ। दोस्तों इस ट्रिक में अगर आप अपने ओल्ड अमेजोन अकाउंट के मोबाइल नंबर को यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले आप उस अकाउंट के अमेजोन पे बैलेंस को यूज कर लीजिए। अगर आपके अमेजोन अकाउंट पे कुछ भी अमेजोन पे बैलेंस पड़ा है, नहीं तो आपका अमेजोन पे बैलेंस को लॉक कर दीजिएगा अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जाइए, आप अपने अमेजोन पे बैलेंस को अच्छे से यूज कर लीजिए, उसके बाद आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। जैसे आप अपने अमेजोन पे बैलेंस को यूज कर लेते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे साइन आउट वाले बटन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन से आपको साइन आउट कर लेना है। थोड़ी देर में यहाँ से साइन आउट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इस एप्लीकेशन साइन आउट कर लिया, उसके बाद यहाँ से इस एप्लीकेशन से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे सर्च आइकन में टाइप कर देना है, टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है amazon.com। यहाँ पे ऊपर में आ गया है ये साइट, इसी को आपको सर्च करना है, आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही इस वेबसाइट को आप सर्च करते हैं गूगल पे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे भाषा जो अलग कंट्री की भाषा देखने को मिलेगी, आपको नॉर्मल इंग्लिश देखने को नहीं मिल सकती है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टेप मैं आपको बताता हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिख रही है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टी जो ऊपर दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे ऊपर वाले गोला पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पे पहले खाने में अपना नेम भर देना है, कुछ भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको एक नया जीमेल आईडी भर देना है। मैंने आपसे पहले ही बताया था एकदम न्यू जीमेल आईडी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। तो चलिए मैं फटाफट अपने यहाँ पे नया जीमेल आईडी दे देता हूँ, और तीसरे खाने में आपको 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट सब कुछ भर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक नया ईमेल आईडी और 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक येलो कलर का जो बटन दिख रहा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, जो ईमेल आईडी आपने एंटर किया है नया वाला, उस पर एक वेरीफिकेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं उस कोड को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने उस ईमेल आईडी पे जाके और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से येलो कलर का जो बटन दिख रहा है वेरीफाई, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जिससे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप सक्सेसफुली इस साइट पे मतलब अमेजोन अकाउंट पे आपका साइन इन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया है, आप अमेजोन अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको बैक जाना है। अब आप जो ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन किया है, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपको अमेजोन एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल के अमेजोन में लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने अभी क्रोम में अकाउंट क्रिएट किया है। तो चलिए मैं फटाफट उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे अमेजोन ऐप में लॉगिन हो जाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दिया है जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से मैंने क्रोम ब्राउजर में अकाउंट क्रिएट किया था अमेजोन का। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं देना है। यहाँ पे आपको एक नीचे बटन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इसकी पेन कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, आप उस ईमेल आईडी यहाँ पे आप अमेजोन ऐप में लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमेजोन अकाउंट वाले बटन पे योर अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप योर अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन एंड सिक्योरिटी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन ऐड मोबाइल नंबर, उस ऐड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है जिस मोबाइल नंबर पे आपका एक बैंक अकाउंट लिंक हो। आप अपने ओल्ड अमेजोन अकाउंट वाले मोबाइल नंबर को भी दे सकते हैं, बस उस पर मतलब बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे सब कुछ भर दे।
दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है, ओल्ड अमेजोन वाला ही भरा है, बस इस पर एक बैंक अकाउंट लिंक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है कि ऑलरेडी इस पर अकाउंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एस वेरीफाई और मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया उस पर एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, उस कोड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे एंटर कर दिया, उसके बाद फिर से आपको यहाँ वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पे आपका अमेजन पासवर्ड मांगा जाएगा, उसको एंटर कर देना है। सेव चेंज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेंज बटन पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली ऐड हो सकता है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे फिर को यहाँ पे होम बटन पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाना है अपने अमेजन एप्लीकेशन के। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऑफर्स वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑफर्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे दो ऑफर देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सेंड मनी मिल जाएगा एक ऑफर, उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन एंड पे वाला ऑफर भी, दोनों ऑफर आपको मिल जाएंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंड मनी वाले बैनर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए। तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने इस एप्लीकेशन में दिया था, ऐड किया था, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। हो सकता है एक दो बार फेल्ड हो जाता है, लेकिन आप एक दो तीन चार बार ट्राई कीजिए, आपका अकाउंट जरूर से सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। पे देख पा रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर यानी UPI सक्सेसफुल वेरीफाई होकर लिंक हो चुका है। अगर आप भी लिंक कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, आप 3-4-5 बार ट्राई कीजिए, आपका भी सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा UPI। ये सबके साथ हो रहा है, आप ही के साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी 3-4-5 बार ट्राई किया, फिर जाके मेरा UPI लिंक हुआ अमेजोन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप प्रोसेड टू सेंड मनी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सेंड UPI का एक ऑप्शन दिखेगा, उस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे किसी का भी UPI ID एंटर कर देना है। तो यहाँ पे किसी का भी UPI ID, चलिए मैं फटाफट अपना एक UPI ID एंटर कर देता हूँ। जैसे आप अपना UPI ID एंटर कर देते हैं, आपसे यहाँ पे अमाउंट मांगा जाए, अमाउंट में आपको 250 रुपये दे देना है, 250, और बस सेंड मनी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड मनी वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपसे आपका MPIN मांगा जाएगा, आपको अपना MPIN देके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप 250 रुपये का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, इंस्टेंट आपको अमेजोन की तरफ से 75 रुपये का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे मैंने मनी सेंड किया, मुझे मनी सेंड करने के लिए 75 रुपये कैशबैक मिल गया। आप यहाँ पर इंस्टेंट देख भी पा रहे हैं, मुझे कैशबैक मिल गया है। चलिए मैं आपको अब दूसरा ऑफर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फिर से आपको होम बटन पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर ऑफर वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। जिससे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऑफर का बैनर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्कैन पे वाले बैनर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्कैन नाउ वाला बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ भी आपको फर्स्ट टाइम ट्रांसफर करने के लिए, स्कैन एंड पे करने के लिए आपको फ्लैट 50 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो आपको यहाँ पे स्कैन नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी QR कोड को स्कैन कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने QR कोड स्कैन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट में 150 रुपये दे देना है। उसके बाद फिर से आपको पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपसे आपका MPIN मांगा जाएगा, आपको अपना MPIN एंटर कर देना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता है, आपको इसके लिए भी फ्लैट 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। इसका प्रूफ में भी आपको इस ये भी इंस्टेंट ही मिल गया होगा। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ से बैक टू अमेजोन पे जाना है। दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मुझे इंस्टेंट कैशबैक मिल गया, यानी टोटल मुझे मेरे अमेजोन अकाउंट पे 125 रुपये का अमाउंट यहां पे दिख रहा है। आप भी देख पा रहे हैं, 75 रुपये मुझे फर्स्ट टाइम मनी सेंड करने के लिए, और दूसरी बार मुझे स्कैन एंड पे करने के लिए 50 रुपये कैशबैक मिला है। टोटल 125 रुपये मिल गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को आप भी अप्लाई कीजिए अपने अमेजोन अकाउंट पर। UPI लिंक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ये सबके साथ हो रहा है। 3-4 बार ट्राई कीजिए कि आपका UPI सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आएगी। आप भी इस ट्रिक का अप्लाई करके से अर्न कर पाए। 125 रुपये बड़ा अमाउंट होता है, कम अमाउंट नहीं है। और जैसे ही आपको कैशबैक मिल जाए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।